ताऊते तूफान की वजह से अजमेर में लगातार हो रही है बारिश। रात भर से चल रही बारिश की वजह से कई कॉलोनियां हुई जलमग्न। स्मार्ट सिटी के अधूरे काम भी बने परेशानी। अजमेर में ताऊते तूफान की वजह से कल से बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं तूफान को लेकर प्रशासन की तैयारियों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। वैशाली नगर सेक्टर 3 बधिर विद्यालय के पीछे रात से ही हो रही बारिश की वजह से घरों में पानी घुस चुका है। जब स्थानीय लोगों ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व कंट्रोल रूम को फोन पर कई बार सूचना दे दी, लेकिन सुबह 6:30 बजे तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद प्रशासन इस तूफान से डर गया या फिर हर साल की तरह ये सोचकर कि इस पानी को लेकर कहां जाए, इन्हीं विचारों में डूबा प्रशासन इस क्षेत्र को कोई राहत नहीं पहुंचा पा रहा। इस क्षेत्र में लगे पंप को चालू करने को कहा गया तो उसके लिए भी आदमी को रात से नींद से जगाकर भेजने की कार्रवाई की जाती रही। प्रशासनिक अधिकारी भी क्षेत्र की कोई सुध नहीं ले रहे। इस क्षेत्र का तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह अजमेर शहर में लगातार बारिश होने के कारण कई जगहों पर जल भराव होने से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर है। इतना ही नहीं, रात भर हुई बारिश के कारण घरों के सामने 2-3 फुट पानी भर गया है, जिससे घरों को भी क्षति पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आया है ताऊती तूफान, इसका असर भी वैशाली नगर 3K3 सेक्टर में देखा जा रहा है। कल रात से ही जो बारिश है बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, और ये जो है हमारे घर है, इसकी सीढ़ियों तक आप देख सकते हैं कि ये पानी भर चुका है हमारे। और अभी भी अगर ये बारिश नहीं थमी तो ये हमारे जो है घर के अंदर भी आ सकता है। आप देख सकते हैं ये पूरी गली जो है हमारी पानी से भर रही है। अभी आप समय हो रहा है 5:30 हो रहे हैं, और रात से ही जो है बारिश बरसे जा रही है, अभी भी थमने का नाम नहीं है इसका। यही परेशानी होती है बारिश के टाइम में। मैंने कितनी बार शिकायतें करी, आने वाले पार्षदों को भी बोला, पूर्व पार्षदों को भी बोला, वर्तमान को भी बोला, सबने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये जो स्कैप चैनल नाला है, क्या स्थिति हो जाती है? यही है कि रामलीला वाड़ा, गुजर धरती, उत्तम सुनार का वाड़ा, बड़का वाड़ा, बगीची वाड़ा, इधर हाल बहुत बुरे हैं। थोड़ी सी बारिश में घरों में पानी भर जाता है, लेकिन आज तक इसका उपाय नहीं हुआ। अब क्या आश्वासन? कल से जिस तरीके से तूफान की जो चल रही है, तूफान आ भी चुका है, क्या स्थिति बनी हुई है? वो घरों में दुबके हुए हैं, पूरी रात जाग के निकाल दी, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। हर बार का ये हाल है, जब बारिश आती है यही हाल हो जाती है यहाँ पे। ये पत्ता मुनगर बस्ता का इलाका है, हाँ, यहाँ पर हर साल का यही है कि यहाँ पर आधे घंटे की बारिश में सुबह तक का पानी भर जाता है भैया। और ये 15-20 सालों से ये समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। कई बार प्रशासन को, यहाँ के विधायिका जी हैं, उनको कई बार ज्ञापन भी दिया है, उनसे कभी उनसे इस समस्या को अवगत भी कराया, लेकिन नतीजा दस्तकता से। कौन कौन सी जगह है भैया जहाँ पर यह पानी भर रहा है? भैया ये प्रताप नगर भट्टा है, सुनहरी कॉलोनी है, इधर रत्ती है, ये इलाके हैं इनकी, तो ये राबड़िया मोहल्ला है जहाँ पर हर बार बारिश आती तो ये हाल होता क्या भैया? तो हर साल 15-20 साल से सर ये तो एक रूटीन सा बन गया है कि आधे घंटे की बारिश आएगी और यहाँ पर घुटनों तक का पानी भर जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार। शहर के गढ़ी माल्यान, गुर्जर धरती, अशोक नगर, नगरा, भट्टा, उत्तम चंद का बाड़ा, जादूगर, सागर विहार, वैशाली नगर का अनसागर के आसपास का हिस्सा, माकड़वाली, आदर्श नगर, बालूपुरा, श्रृंगार चौरी, बिहारीगंज, भजनगंज, शंकर नगर आदि इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए। वहीं बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। रात भर हुई बारिश के कारण शहर का प्रमुख नाला, जो कि आनासागर एस्केप चैनल से शुरू होकर शहर के बीचों बीच होते हुए खानपुरा की ओर जाता है, वह भी अपने पूरे उफान पर बह रहा है। वहीं अन्य नाले भी आधे से अधिक क्षमता से बह रहे हैं। गढ़ी माल्यान इलाके में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे पुलिया निर्माण के कार्य के चलते बनाई गई अस्थायी दीवार की वजह से आसपास की बस्तियों में कई कई फुट पानी भर गया। डिस्पेंसरी के हालात बिगड़ गए हैं,
जैसा कि आज 3:30 से सुबह 4 बजे बारिश स्टार्ट हुई है, ताऊते जो तूफान हमारे राजस्थान में प्रवेश कर रहा है उस कारण से यहाँ बारिश का माहौल बन गया है। और यहाँ पे आज टीकाकरण भी है और कोविड की जांच भी हो रही है, लेकिन पानी भरने के कारण कैसे जनता अपनी जांच कराएगी या कोविड का टीका लगवाएगी। यहाँ नालियों का निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं है, पूरी नालियाँ टूटी हुई है जो कि बहुत परेशानी हो रही है। अभी यहाँ से 2-2, 3-3 फुट पानी भर गया है और पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं है। नाले का पूरा DAV कॉलेज के नाले का पानी पूरा यहाँ आता है क्योंकि नाला टूटा हुआ है, जिस कारण से यहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से DAV कॉलेज के नाले का निर्माण कराया जाए ताकि हमारी यहाँ की जनता को राहत मिले। और किस किस जगह आपकी कॉलोनी में पानी भर गया? जैसे अशोक विहार में पानी भर गया है, पीछे दुर्गा कॉलोनी में पानी भर गया है, महादेव नगर में पानी भर गया है, पूरे नारीशाला रोड, DAV कॉलेज का पूरा रोड जो जितना भी है सब में पानी भर गया है और आवाजाही बिल्कुल प्रभावित होती है इससे। अभी तो कोरोना काल में पब्लिक नहीं निकलती, लेकिन जब भी स्कूल वगैरह खुलती है या कोई, जनजीवन प्रभावित होता है बहुत ज़्यादा। हाँ भैया, ये कंडीशन रहेगी, ये गड्ढे मालिन महादेव नगर है, इसमें ये कहानी आ रही है कि पोजिशन में ये चीज़ आ रही है, लापरवाही पहले बोला बताया गया था फिर भी इसने सुनाई नहीं की। इस पुलिया से पूरा 10-10 की गड्ढी माल्यान मार, कुछ ठेकेदार की बहुत ज़्यादा लापरवाही है इस कारण। अभी 3 दिन का मौसम है, पता नहीं क्या हो सकता है इसका, कैसे भी करके आगे सारे मौसम। जब इसकी सूचना सुबह स्थानीय पार्षद पति दिलावर चौहान को मिली तो उन्होंने विधायक अनिता बघेल से संपर्क किया। विधायक अनिता बघेल के निर्देशन पर पोकलैन JCB मशीन को मौके पर भेजा गया और दीवार को तोड़कर पानी की निकासी की गई। इसके बाद कहीं जाकर क्षेत्र में पानी का जल स्तर कम हुआ। वहीं दयानंद कॉलेज के पास आधे अधूरे निर्माण किए गए नाले की वजह से भी आसपास की कॉलोनी में पानी भरने की शिकायतें आती रही। चौहान ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द बारिश से पूर्व नालों का निर्माण करवाए ताकि बारिश के मौसम में स्थानीय निवासियों को जल भराव की परेशानी से मुक्ति मिल सके। आज सुबह करीबन 3 से 4 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी और तेज़ बारिश होने के कारण पानी का बहुत ज़्यादा आवक हुई। यहाँ जो पुलिया का निर्माण चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, तो यहाँ कच्चे ही एक दीवार बनानी गई थी मिट्टी से, जिसके कारण पीछे महादेव नगर गड्डी मैलान में पूरे में पानी भर गया था। सुबह हमारे पास यहाँ से शिकायत आई कि हमारे यहाँ पानी भरा, तो मैंने माननीय विधायक हमारी अनिता जी बघेल को कॉल किया और कॉल करके उनको अवगत कराया, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से JCB भेज दी। स्मार्ट सिटी के अधिकारी को कॉल किया, उन्होंने JCB भेजी और JCB से जैसे हमने इधर से एक तरफ से खोल दिया है तो थोड़ा पानी का जो ऊँची स्तर पर पानी भरा था अभी नीचे आ चुका है, अभी दूसरी तरफ से JCB आ रही है, इधर से भी खोल देंगे तो पानी की आवक साफ़ हो जाएगी, जिससे उधर पानी नहीं भरेगा। वहाँ की जनता बहुत परेशान है, अभी थोड़ी सी बारिश में अगर इतना पानी भर गया तो प्रशासन से मांग है कि तुरंत प्रभाव से ये जो DAV कॉलेज की इधर से नाला आ रहा है इसको जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि गड्डी मलियान, सुभाष नगर, अशोक विहार, यहाँ की जनता को ये जो हर बारिश में पानी भर जाता है 3-3, 4-4 फीट, बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, स्कूल जाने में। अभी हमारी डिस्पेंसरी जहाँ टीकाकरण हो रहा है और वैक्सीन भी लगाई जा रही है और जांच भी हो रही है कोविड की, अभी वहाँ पूरा 2-2 फीट पानी भर चुका है। अब जैसे कोई भी पेशेंट है या किसी को वैक्सीन लगानी हो तो वो कैसे आएगा? इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस नाले का निर्माण कराया जाए जो DAV कॉलेज से आ रहा है, जो पूरा यहाँ तक पानी भरता है, उससे हमें हमारे वार्डवासियों को निजात मिले और यहाँ की जनता को थोड़ी राहत पहुँचे, इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ।